हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 26 जून दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, सिवनी जिले में हुए गौ हत्या आरोपियों के घर पर चल गया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 54 गौवंशों के कटे सर के मामले में सोमवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के तहत 3 आरोपियों के मकान के अवैध हिस्से को गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने यह मकान अवैध रूप से बनाए थे। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में फरार आरोपियों के ऊपर 10-10 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को भी लाइन अटैच कर दिया गया है, अर्थात तस्करों के साथ मिले हुए संदेह में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में आपको बता दें कि सिवनी जिले के रहने वाले वाहिद, शादाब, इरफान, रामदास और संतोष नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपियों को फंडिंग और गाइड करने वाले नागपुर के 5 लोगों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है, अर्थात इस मामले में जो भी लोग लिप्त थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में खाद का कोटा कम होने से किसान हो रहे हैं परेशान। प्रदेश में DAP खाद नहीं मिल रहा है किसानों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों को खाद संकट से गुजरना पड़ रहा है। कई बार खाद की बोरी पहले लेने के लिए किसानों के बीच आपस में ही लड़ाई हो रही है। खाद की कमी को लेकर सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा यह भी किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही नई खाद की बोरियाँ आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रदेश के गुना जिले में सोसाइटी में DAP खाद की बोरियां लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं बारिश का मौसम आने से खेतों में फसलों की उगाई के लिए खाद की ज़रूरत किसानों को हो रही है। किसानों को कम खाद मिलने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के कोटे में DAP खाद कम किया गया है। मध्य प्रदेश को पहले केंद्र सरकार जितना DAP देती थी, अब उससे आधी DAP दे रही है। राज्य को पहले 2.5 लाख टन DAP आवंटित होता था, लेकिन अब यह सिर्फ 1.9 लाख टन ही मिल रहा है। DAP की कमी होने से किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि DAP के विकल्प के तौर पर NPK खाद लेने की किसानों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, फिर भी DAP और रासायनिक खाद की कमी प्रदेश को क्यों हो रही है। दोस्तों, एक किसान ने SDM साहब को मारा ऐसा थप्पड़ कि SDM साहब जमीन पर गिर पड़े। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में एक किसान ने SDM साहब को थप्पड़ जड़ दिया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि प्रशासन की टीम और ग्रामीणों के बीच कुछ नोकझोंक हो रही थी। इतने में SDM साहब को किसान ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ते ही SDM साहब जमीन पर गिर पड़े। यह देख प्रशासन के लोगों ने किसान और अधिकारी को अलग किया, जिसके बाद किसान को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद में जमीनी विवाद सुलझाने के लिए SDM साहब राजस्व टीम के साथ पहुंचे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद होने पर SDM साहब ने किसान पर हाथ उठाने की कोशिश की। इतने में किसान भड़क गया और उल्टा SDM साहब को ही जोरदार छप्पड़ जड़ दिया। किसान का थप्पड़ SDM साहब को इतना भारी पड़ा कि वह खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री भरेंगे अपना इनकम टैक्स। 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला है यह नियम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्री अपना खुद आयकर यानी इनकम टैक्स भरेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बड़े फैसले का ऐलान किया है। राज्य में अभी तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का इनकम टैक्स भरती थी, जिससे शासन पर बहुत ज़्यादा वित्तीय भार पड़ता था, लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है। अब सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी, उन्हें स्वयं इनकम टैक्स भरना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह नियम 1972 से चल रहा था, अर्थात 1972 से सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स भर रही थी, जो अब 2024 में बदल दिया गया है। बागेश्वर धाम में हो रही है बड़ी धोखाधड़ी। दोस्तों, बागेश्वर धाम की चर्चाएं पूरे देश और विदेश में हो रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के
ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के आसपास जमीन एवं प्लाट लेने की इच्छा हर किसी को हो रही है। यहाँ पर जमीनों की कीमत भी आसमान छू रही है। ऐसे में जमीन के मामले को लेकर धोखाधड़ी करने वाले माफिया भी खूब पनप रहे हैं। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रिश्तेदारों पर भी जमीन के कारोबार में धोखाधड़ी करने के आरोप लग रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा करने से श्रद्धालुओं का विश्वास टूट जाएगा और बागेश्वर धाम फिर तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, युवा कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत मध्य प्रदेश सरकार का विरोध करने दिल्ली जाएंगे युवा कांग्रेस। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब दिल्ली तक जाने की तैयारी कर ली है उन्होंने। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में नीट की परीक्षा, नर्सिंग परीक्षा, व्यापम, पटवारी, डीमेट जैसे अनेक महाघोटाले हुए हैं, जिससे छात्र का भविष्य अंधकारमय है। सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा माफियाओं की कठपुतली बन गया है, जो कि बहुत ही गलत है। इन्हीं सब कारणों से हम दिल्ली जा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार को घोटाला कर्मठ अवार्ड से नवाजेंगे। दोस्तों, जबलपुर जिले से खबर है। जबलपुर में अब सिर्फ ₹1 रोज देकर घर से कॉलेज पहुंचेंगे विद्यार्थी। जबलपुर के PM एक्सीलेंस कॉलेजों में बस की सुविधा प्रारंभ हो रही है। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर रोज ₹1 के खर्च पर ही घर से कॉलेज तक की बस सुविधा उपलब्ध होगी। यानी माह में विद्यार्थी को बस का किराया केवल ₹30 देना होगा। वहीं बस की सुविधा सत्र 2024-25 से विद्यार्थियों को मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉलेज का सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और बस का संचालन भी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को कम किराए का लाभ मिल सके। मानसून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंगलवार दोपहर तक प्रदेश के 17 जिलों में मानसून ने एंट्री कर ली है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज जिलों में प्रवेश कर चुका है। इन्हें मिलाकर मानसून अब तक कुल 49 जिलों में एक्टिव हो गया है। वहीं प्रदेश के ग्वालियर और चंबल के कुछ जिले हैं जहां पर अभी मानसून एंट्री नहीं किया है, वहां पर भी कुछ दिनों में एंट्री कर लेगा। इस प्रकार प्रदेश के सभी 52 जिलों में मानसून अगले कुछ दिनों में पहुँच जाएगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।